रायगढ़ जिले में बढ़ती मौतों को आंकड़े रोकने जैसे जैसे विकास हो रहा है, सड़कें हेवी व्हीकल्स पूरे देश में जब संचालित हो रही हैं, विशेषकर इंडस्ट्रियल एरिया में और हर तरफ के एरिया में आजकल हेलमेट न पहनने के कारण बहुत सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है। इसी के मद्देनजर रायगढ़ पुलिस के द्वारा इसकी साहब की अगुवाई में बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है कि जो हेलमेट नहीं पहना रहता उसको 500 रुपये का फाइन किया जाता है, बट उससे ज़्यादा राशि का हेलमेट प्रदान किया जा रहा है। इसमें अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं का की मदद भी ली जा रही है और एक बहुत ही अभिनव और सार्थक पहल प्रारंभ की है। इसके लिए मैं रायगढ़ पुलिस को और रायगढ़ के दानदाता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और हेलमेट प्राप्त होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका हम उपयोग करें और इसके लिए मैं सभी जनता जनार्दन से अपील भी करूँ। बता रही वंदन योजना की किस्त जल्दी से दूसरी जारी हो गई और इसके जांच के आदेश होते क्या कहेंगे? इसकी वो जो भी होगा उसको ठीक कर लिया जाएगा। तकनीकी तौर पर कई बार हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है, वित्त मंत्रालय आपके हाथ में, जितनी वित्तीय व्यवस्था करके क्या पहल की जा रही है? कांग्रेस ने पूरे 5 साल में छत्तीसगढ़ के खजाने को खोखला करने का काम किया। वो सरकारी खजाने को खोखला करते रहे और अपनी जेबों को भरते रहे। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी वित्तीय व्यवस्था को ठीक करने में लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े काम भी पूरे कर रही है। हम सब जनता जनार्दन के सहयोग से वित्तीय व्यवस्था को भी सुधारेंगे और सभी योजनाओं को भी पूरा करेंगे। बड़ौदा बाजार को लेकर भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं कि भाजपाइयों का काम है और भाजपाइयों ने जानबूझ कर क्यों आखिर इतना हड़बड़ा रहे हैं। ज्यूडिशियल कमीशन की स्थापना की जा चुकी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देश के सभी जिलों में जनता की बात की जा रही है, तो राजनीति अपनी करते रहेंगे। कांग्रेस को ब्लेम गेम की राजनीति के अलावा आता ही क्या है? कभी पूरे अगर सकारात्मक काम किए होते तो भारत आज कहाँ पहुँच गया होता? भूपेश बघेल जी केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जब मुख्यमंत्री थे तब भी यही करते थे, तभी तो वो करेंगे ही बातें। ज्यूडिशियल कमीशन की स्थापना हुई है, दूध का दूध पानी का पानी। एक अंतिम सवाल, सड़कों की स्थिति को लेकर आप काफी गंभीर से? लगातार हम काम कर रहे हैं। जिस सड़क मार्ग पर मैंने पदयात्रा की थी विपक्ष में रहते हुए घरघोड़ा से रायगढ़, वो अभी 6 महीना हुए सरकार के, जिसमें 3 महीना 4 महीना तो आचार संहिता के थे, उसके बाद भी हम वो लगभग 80-90% उस काम को पूरा कर चुके हैं। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 28 सड़कों के टेंडर प्रोसेस चल रहा है, उससे भी सारी 28 सड़कों का निर्माण कर दिया जाएगा और आने वाले समय में लगातार आप सबके सहयोग से प्रयास करते हैं। थैंक यू।